तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जगदीप जी के साथ पढ़ेंगे टैबलो। तो टैबलो में हम बात करेंगे फंक्शन क्रिएशन की। अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि टैबलो में हमने गेटिंग स्टार्टेड के अंदर बेसिक फंडामेंटल को हम पढ़ चुके हैं। अब बेसिक रिपोर्ट पढ़ने से पहले हम जानेंगे कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन का यूज हम कैलकुलेटेड फील्ड में इस्तेमाल। सबसे पहले हम डेटा को लोड करते हैं। हमारे पास नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है एंड सिटी है, राइट? राइट सर। चलिए, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है एवीएस का। एवीएस फंक्शन क्या होता है? प्लस को माइनस, सॉरी, माइनस को प्लस और प्लस को प्लस। जी, अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे मैं इसका यूज कैसे हूं। तो जैसे कि आपके साथ सामने यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारा एमआरपी, राइट? डेटा के अंदर में जो हमारा डेटा है उसके अंदर में कुछ सेल्स हैं। जो मैं ओरिजिनल डेटा है ये रहा, क्वांटिटी को कुछ माइनस में कर देते। अब माइनस क्या है? मान लीजिए रिटर्न। जी, ये हमारी रिटर्न क्वालिटी क्वांटिटी है, मैं इसको सेव कर देता हूं। अब प्रॉब्लम यहां पे हमारे इस डेटा इस टैबलो में आएगा कि जो माइनस माइनस का नहीं है, रिफ्रेश तो होता था। रिफ्रेश करके देख लो सर शीट एक बार विंडो के नीचे। अच्छा, इसके अंदर यहाँ इसके नीचे सर। हाँ जी, हाँ यहाँ पे भी आता था। Okay. अच्छा हाँ, यहाँ पे जब स्ट्रैक होता है तब आता है। जी, आगे सर, आगे। अब मान लीजिए कि मैं कैलकुलेटेड आइटम करना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे गया, यहाँ पे देते हैं अमाउंट, राइट? अब अमाउंट में अगर मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे क्यू टी वाई मल्टीप्लाई बाई एम आर, ठीक है, तो इसमें इक्वल नहीं लगेगा, वैलिड आ गया ना आप लिखा हुआ। अब मैं ये करूंगा तो क्या होगा, जो माइनस वाली कैलकुलेशन है यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। जी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि इस तरह से, ठीक है? Yes. तो मैं इसकी एडिट में जाता हूं और इसको खा, तो मैं क्वांटिटी को ही एवीएस में डाल देता हूं, एवीएस, ठीक है, और इस एवीएस में हम क्वांटिटी को डाल, यानी पूरी कैलकुलेशन को एवीएस में डाल सकते हैं। जी जी, अब देखिए यहाँ जहां आपका माइनस है यहाँ पे माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस हो गया, समझ गए? कैलकुलेटेड फील्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब मान लीजिए आप समझते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड हमने इस्तेमाल किया, राइट? जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फील्ड मुझे प्लस वाला फील्ड, मैंने कि ये जो है ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करा, यहाँ पे मुझे माइनस भी नहीं चाहिए प्लस भी नहीं चाहिए, और दो क्वांटिटी में नहीं करना चाहता। ओके, समझ गए? जी, तो यहां पे हाई का ऑप्शन है, तो मैं कैलकुलेट एक मैं यहीं पे इसी के बगल में क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड लूंगा
और यहाँ पे मैं कर दूंगा Q, यहाँ पे P Q Q R, नया फील्ड बनाऊंगा और इसको मैं ABS में डाल दूंगा। ठीक है, okay. और इस फील्ड को मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, हाइड, ताकि मेरी डेस्कटॉप पे यहाँ आप देख रहे हैं क्वांटिटी नहीं है ना, yes. जी, ताकि कंफ्यूजन को पैदा ना करे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको आराम से हम बना सकते हैं। यहाँ पे सिटी लिया, और डेटा में दिख रहा है, चलिए वापस चलते डेटा सोर्स में। ठीक है जी, चलिए अब अगली इस पे आते हैं फॉर्मूले पे। अगर हम अनहाइड करते हैं तो ये हमें दिखाएगा शीट में भी ना? हाँ, शीट में। ठीक है, ठीक है, एक कॉस है, ए साइन है, टैन थीटा है, तो टैन थीटा का सेल जी करता है राउंड द नीरेस्ट इंटीजर इक्वल द ग्रेटर, सेलिंग आपका राउंड फिगर में करता है जी। तो अगर डेसिमल में है तो उसको राउंड कर सकते हो, लेकिन नीरेस्ट हमेशा करेगा, मैं आगे की तरफ करेगा राउंड अप। 3.1 है ना, कर रहा है राउंड अप में जी। हम कहां कर रहे हैं इसका यूज, कहां करें फिर इसका भी यूज करके दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डेटा को डिस्कनेक्ट करता हूँ, एक कोई और डेटा यहाँ से ऐड करता हूँ। जो शीट एडिड है सर, अगर हमें रिमूव करना हो उसे, जो हमें डेटा सोर्स में उसे, इसको इसको आप रिमूव करना चाहते हो ना? हाँ हाँ, कैसे? क्लोज है, क्लोज कर दो, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ओके, फिर डेटा सोर्स में जाए। आ गया सर? यस सर। अब इसमें हमारे इस डेटा में देखें आप, ये जो रेवेन्यू पर आवर है दिख रहा है ना सर? यस सर। मुझे इसको राउंड में करना है। ओके, तो मैं यही भी क्रिएटेड फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे आर आर डी नाम से हमने डी एच के नाम से बना दिया। ठीक, और इसको मैं सेलिंग जी, और इसको ब्रैकेट में दे देता हूं। एक नया फील ऐड हुआ इसमें, देखिए राउंड है ये हमेशा जी, ये जी, पूरा एकदम अपर में जा रहा है। हाँ हाँ, सेलिंग का काम करता है। ये कॉस का है, कॉट थीटा है, ये आपका पाई डिवाइड पे कॉट थीटा का डिग्री बताता है, डिग्री बताता है, डीआईवी आपका है, ये बताता है उसको डिवीजन ऑपरेशंस, जैसे कि 11 और 2 आ गया तो कितने से डिवाइड करना, शेष पर छोड़ बताता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू पर आवर है वो क्या है पता आपको सर? ये आपका रेवेन्यू 748 को इसमें डिवाइड किया हुआ इस, ओके, पहले से डिवाइडेड है। मान लीजिए कि मैं इस वन को हाइड कर देता हूं और मेरे पास डिवाइड नहीं है, ठीक है, मुझे क्रिएट करना है रेवेन्यू बराबर। तो रेवेन्यू बराबर जो क्रिएट करना है हमें, तो हम नहीं चाहते कि वो डेसिमल हो, ठीक है,
हम नहीं चाहते हैं कि वो डेसिमल में आए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस जो हमारा फॉर्मूला है डी आई वी इसके अंदर डाल देंगे। तो डी आई वी में हमने रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लिया और उसमें जो हमारा ये आपका सेल्स पर आवर है ना, इसी से डिवाइड हम सेल्स पर आवर को एंड इसको कैलकुलेशन है ना, डीजे टू सही का है टीजर वन एंड टीजर टू। ओ हाँ, इसमें इंटीरियर सेल्स अपर आवर वर्क नहीं कर रहा, आप कैलकुलेशन बैलेंस दिखा रहा है ना। आप इसके अंदर इनपुट आप करेंगे वो आपको इंटीजर ही करना है, लोड नहीं करना है। और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे देखिए 34 दिख रहा है, डेसिमल नहीं दिख रहा। ठीक है, फ्लोर आपका क्या है, अभी हमने यहाँ पे आया ना सर जी जी, तो सेलिंग क्या करता है हमेशा अपर जी, 1.24 हुआ तो 2 दिखा, 1.001 हुआ फिर भी 2 दिखा जी। और फ्लोर क्या करता है, फ्लोर का नीचे के अंदर दिखाता है, राउंड करता है लेकिन डाउन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास एक है, इसका यूज ये मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने इसका यूज बहुत कम किया हूँ, तो ठीक, क्योंकि इसमें ये इसमें क्या होता है कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड डालना होता है, आप लोगों के पास जनरली सिटी नेम होते हैं तो ये तो आपका नेचुरल नंबर देता है, ये आपका लॉग देता है, मैक्स आपका मैक्सिमम नंबर देता है, लेकिन मैक्स जो है आपका इस पे वर्क नहीं होता है, डेटा पे वर्क नहीं होता है, समरी पे वर्क शीट 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 पे जाता है, शीट पे किया था मैंने। ठीक है ना जी, तो आगे बताएंगे शीट पे कैसे यूज होता है। पीआई आपका पाई देता है, पावर आपका पावर देता है, स्क्वायर अगर देना होता है तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि टीम ए जो है, टीम ए दो टीमों का आप मतलब कि दो टीम का काम करता है, तो इसने जो सेल किया है 22 जी, हम 22 को मल्टीप्लाई 22 का स्क्वायर निकालना है जी जी, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और हम कर देते हैं SLSQ, यहाँ सेल्स को हम यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा पावर है, एक्सेल में सेम काम करता है, लेकिन एक्सेल में मल्टीप्लाई कर एक्सेल में सेम काम करता है, वो पावर निकालता है। और यहाँ पे हमने 2 दे दिया जी, और अप्लाई करते देखिए आ गया 22 × 22। ठीक है, ये आपका रेडियन जो है आपका वो निकालता है, मैथमेटिक है, राउंड राउंड यहाँ समझ लीजिए राइट सर। अभी राउंड के लिए हमें दो फॉर्मूले बताए, फ्लोट सेलिंग एंड सेलिंग जी, फ्लोर
और सेलिंग भी क्या था कि वो डेसिमल्स को बिल्कुल गायब कर देता था जी। डेसिमल्स को अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेसिमल वाला सेल्स पर आ गया। इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस कई सारे हैं ना जी। मैं सिर्फ दो चाहता हूँ तो मैं क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा ठीक है जी। और यहाँ पे देता हूँ मैं आर एन डी और इसको राउंड राउंड में डाल देता हूँ और डेसिमल प्लेसेस बोलता हूँ दो होने चाहिए। और जब भी फॉर्मूला लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि कैलकुलेशन वैलिड है या ठीक है। ठीक है सर, ये आ गया दो सर। अगला है हमारा साइन। साइन देता है स्क्वायर निकालता है जैसे कि यहां हमने भी अभी अभी लिया है ना। अब मुझे ये है लेकिन इसको वापस स्क्वायर रूट करना है, मैं 22 चाहिए ना वापस जी। एडिट कीजिए आप पावर के जगह पे एस क्यू आर टी कर दीजिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब ओके कीजिए और बढ़ गया। अच्छा आपने गलत कर दिया टू आर टी स्क्वायर रूट और उसमें हमारा आ जाएगा पावर, पावर में जाएगा हमारा सेल्स पावर नंबर जो आ रहा है। हाँ यहाँ कैलकुलेशन वन आपने दिया था ना कैलकुलेशन वन आगे और जैसे कि पावर था पावर में आप कॉमा टू या तीन कर सकते थे ना। एक आपके पास स्क्वायर है वो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ही लगाता है ओके ठीक है ठीक है। और ये आपका जेड एन है ये बताता है कि जेड एन प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, नल नहीं दिखाएगा इसमें। जैसे कि अगर मैं सेल्स को ही ले लूं कैलकुलेटेड फील्ड में हम देते हैं जेड और यहां पे मैं सेल्स में जेड एन नंबर दिख रहा नहीं जी। डेटा में जाता हूं तुम्हारा डेटा है ओरिजिनल डेटा हम कुछ सेल्स को जीरो कर देते हैं ब्लैक यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ समझ में यहाँ नल है नल के जगह पे यहाँ क्या आ गया जीरो आ गया जी। क्योंकि नल बहुत सारे जगहों पे सपोर्टेबल नहीं होता है। आप मेरा फिल्म में नल ना रहे तो आप जिन एक लगा दीजिए जिन नल को जीरो कर दें ठीक है। नल बस समझे ना क्या हुआ नल मतलब जी जी नल मतलब वो ब्लैंक ब्लैंक ठीक है। तो हमने आज
अपने नंबर कैटेगरी के फॉर्मूले को पूरा कर लिया, राइट। और कल हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कल हम स्ट्रिंग फंक्शन में जानेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शन में कैसे क्या यूज होता है, ठीक है ना। इन सबको यूज नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन तो मैं पहले कर ही रखा हूं, बस इसको एक्सप्लेन आपको मैं ठीक है सर यूज करके बताऊंगा कि यूज कैसे करेंगे। ठीक है सर, ओके।